हज़रत नौहा पेश करने जा रहे हैं साहिब व्यास जनाब रियाज एडवोकेट साहब, जो नौहा पेश करने का मंजर है। बीबी ज़ैनब है और वाक़ियात करबला है। इन्हीं मनाजिर के मद्देनज़र तशव्वुर की शर्त है, समात फरमाए दुआओं के साथ। फरियाद करे किसको बुलाए किससे फरियाद करे किसको बुलाए ज़ैनब इतनी मजबूर है लाचार है हाय ज़ैनब किससे फरियाद कभी अकबर कभी अब्बास को देती है सदा। कभी अकबर कभी अब्बास को देती है सदा। कौन है अब जो बचाएगा रिदाए ज़ैनब इससे फरियाद करे किसको बुलाए ज़ैनब इतनी मजबूर। समात फरमाए हजरात बीबी ज़ैनब के मसाइब, समात फरमाए जहाँ कहीं भी। बेकफन भाई का मक़्तल में पड़ा है लाशा। बेकफन भाई का मातल में पड़ा है लाशा। दस्ते गुरबत कफन की से मंगाए कत्ल बेटे भी बरादर भी भतीजे भी हुए। कत्ल बेटे भी बरादर भी भतीजे किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैनब इससे फरियाद करे किसको बुलाए ज़ैनब
کتنی مجبور ہے. اور یہ بند بھی جناب عباس کے حوالے سے بہت خاص طور سے سماعت فرما لے دعاؤں کے ساتھ. قتل عباس ہوئے اور سکون ختم ہوا. قتل عباس ہوئے اور سکون ختم ہوا. برائے زینب کس فریاد کرے کس کو بلائے. زینب کتنی مجبور ہے لاچار ہے. اور یہ بندہ سماعت فرمائے. جلتے خیمے میں ہے بیمار بھتیجا غش میں. جلتے خیمے میں ہے بیمار بھتیجا بھائی کی امانت کو بچائے. زینب اس فریاد کرے کس کو بلائے. زینب کتنی مجبور فرمائے. کس فریاد کرے کس کو بردا کوچہ و بازار میں لے جاتے ہیں. بردا چو بازار ملے جاتے ہیں. اپنے چہرے کو بھلا کیسے چھپائے. سر کٹائے ہوئے ہیں خاک پہ سب سوئے ہوئے. سر کٹائے ہوئے سب خاک پہ ہیں سو. صدائے زینب کس فریاد کرے کس کو بلائے. زینب کتنی مجبور ہے لاچار.
अपने बाबा के लिए शाम सहर रोती है। अपने बाबा के लिए शाम शहर रोती है, कैसे मासूम सकीना को मनाए सर पे चादर भी नहीं बाजू रसन से है बंधे। सर पे चादर भी नहीं बाजू रसन से बंधे, अपने भाई को कफन कैसे पिनाए ज़ैना, किसे फरियाद करे किसको बुला। बेकफन भाई का मक्तल में पड़ा है लाशा, बेकफन भाई का मक्तल में पड़ा है दस्त गुर्बत में कफन की से मंगाए ज़ैना, किसे फरियाद करे किसको बुलाए। और यात्री मक्के का बन समाज फरमाए दुआओं के साथ कौन कर सकता है बीबी के मसाए को रकम। कौन कर सकता है बीबी के मसाए कम, ऐसो कन्वर है ये नौहा भी अताए